तो PHP का आज नेक्स्ट क्लास होगा। यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था और उसका वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम लोग डाटा टाइप्स और उसके बाद कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे PHP का, ठीक है। तो मैं ये जो लास्ट टाइम का जो कोड था उसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो डाटा टाइप PHP, डाटा टाइप मतलब PHP में किन किन तरह का डाटा टाइप होता है और उसको वो क्या क्या होता है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, मैं फिलहाल यहाँ पे कर लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखो, तो सबसे पहले डाटा टाइप तुम्हारा क्या क्या होगा PHP में, जैसे हो गया तुम्हारा स्ट्रिंग डाटा टाइप होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा एरे डाटा टाइप, बुलियन डाटा टाइप होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है। तो हम लोग कुछ कॉमन डाटा टाइप को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग इज व्हाट, व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज नथिंग बट ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज विद इन डबल कोट्स और सिंगल कोट। तो चलो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वेरिएबल का नेम, मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, मैंने लिखा भी लिख दिया। वेरिएबल का नाम क्या है? भी। और इसमें मैं अभी स्ट्रिंग डाटा टाइप मतलब स्ट्रिंग वैल्यू में असाइन करता हूँ। तो ध्यान रखना, जब भी तुम स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करोगे या तो डबल कोट्स के अंदर या तो सिंगल कोट्स के अंदर, तो वो होता है स्ट्रिंग टाइप होता है। और इसमें मुझे जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो ये मतलब ये इसके सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। और इनक्लोज मतलब जब भी डबल कोट्स के अंदर तुम कुछ भी लिख दो, एनीथिंग यू राइट विद इन द डबल कोट्स, दैट इज़ स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वो नंबर भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है, ये हो गया उसका स्ट्रिंग, ये हो गया स्ट्रिंग डाटा टाइप, ओके। तो अगर इसको इको डिस्प्ले करवाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, इको और उसके बाद वेरिएबल का नेम जैसे डॉलर वी, ठीक है। इसको सेव करके अगर हम लोग ये तो नहीं था, तो इसके डिस्प्ले रीलोड करेंगे तो देखो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि फंक्शन का नाम हो गया तुम्हारा var underscore damp। ये फंक्शन क्या करता है, उस वेरिएबल का, मैं एक बार इसको रन करके दिखा दूँ, var underscore damp। ये फंक्शन क्या करता है, वेरिएबल का जो डाटा टाइप होगा और उसके साथ साथ उस वेरिएबल में कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है और उसमें टोटल कितना करेक्टर ये काउंट करता है। तो डाटा टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग। var underscore damp जो फंक्शन है, ये वेरिएबल का डाटा टाइप क्या होगा वो आउटपुट देगा, उसके साथ साथ उस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर्ड है और उसका टोटल काउंट कितना है, कैरेक्टर काउंट कितना है। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल डॉलर भी क्या है, अभी स्ट्रिंग टाइप का है, यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है, यह दिखा रहा है यहाँ स्ट्रिंग है और इसमें कितना कैरेक्टर है, 11, और उसमें वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, जैसे मैंने अगर हेलो वर्ल्ड 1 कर दिया तो टोटल कितना तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा, कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 दिखा रहा है, लेकिन स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, ठीक है। तो अगर तुम चाहे इसको डबल कोट्स के अंदर दो या तो सिंगल कोट के अंदर दो, तो भी ये क्या होगा, एक स्ट्रिंग ही होगा। तो मैंने इसको क्या दे दिया, इस बार सिंगल कोट्स के अंदर, सो नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस ये भी अभी क्या है, अभी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर्स होगा, डबल कोट के अंदर लिखा तो सिंगल कोट, क्या होता है, स्ट्रिंग। अगर तुम यहाँ पर डबल कोट नहीं दोगे या तो सिंगल कोट नहीं दोगे, इसे मैंने ये दिया नहीं और मैंने इसको सेव करके अगर मैं यहाँ पे इसको रीलोड करूँ तो यहाँ पे इरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही देना पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है, या तो डबल कोट या तो सिंगल कोट के अंदर देना पड़ेगा, कुछ भी लिख दो तुम। तो जैसे मैं यहाँ पे इस बार यहाँ पे जैसे मैंने ये जैसे मैंने क्या दिया, हेलो ना लिखते हुए मैंने ये नंबर टाइप कर दिया, समझ लो, ठीक है। और इसको मैं सेव कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे आकर रीलोड करो, तो अभी क्या है, ये स्ट्रिंग ही है। वैल्यू क्या है उसमें, वैल्यू मैंने क्या टाइप किया, नंबर, ठीक है, इंटीजर टाइप वैल्यू टाइप किया, लेकिन इंटीजर टाइप नहीं है, नंबर टाइप किया। तो लेकिन डाटा टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग, क्यों, मैंने बोला कि डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वो क्या है, स्ट्रिंग, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होगा, एक कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, दैट इज स्ट्रिंग। तो ध्यान रखना ये सब चीज़ें। अच्छा, ये हो गया स्ट्रिंग डाटा टाइप। सेकंड जो आ रहा है वो हो गया इंटीजर डाटा टाइप, ठीक है। तो
इंटीजर डेटा टाइप में क्या होता है, तो नेक्स्ट हो गया इंटीजर डाटा टाइप। तो इंटीजर इज इंटीजर क्या है, मतलब ये नॉन डेसिमल नंबर है, डेसिमल जहाँ पे डेसिमल पॉइंट ना हो, ठीक है, उस तरह का कुछ भी अगर तुम नंबर टाइप कर दो वो हो जाएगा इंटीजर। और ध्यान रखना जब इंटीजर डाटा टाइप असाइन करना हो तो उसमें तुमको डबल कोट्स नहीं देना है। अभी अगर इसको हम लोग रन करें और रीलोड करें तो डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है, बस समझ में आ रहा है, और उसका वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है जो वैल्यू वहाँ पे स्टोर्ड है, समझ में आ रहा है। अगर इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया वो क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा ये, नहीं नहीं अभी डाटा टाइप क्या होगा इसका, स्ट्रिंग हो जाएगा, वही मैं बोल रहा हूँ। देखो बिना डबल कोट्स का अगर तुम कोई नंबर लिखोगे वो तो होता है नॉर्मल इंटीजर, अभी देखो ये स्ट्रिंग हो गया, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन इसी को अगर मतलब नॉन डेसिमल कुछ भी अगर तुम नंबर बिना डबल कोट्स का लिखोगे वो हो जाएगा इंटीजर, और उसी को अगर डबल कोट्स के अंदर लिख दोगे वो हो जाएगा स्ट्रिंग। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखो वो स्ट्रिंग, ठीक है, चाहे नंबर भी लिखो तो भी स्ट्रिंग। अच्छा तो समझ में आ रहा है बात, और इसको बोलते हैं इंटीजर डाटा टाइप, ये हो गया इंटीजर डाटा टाइप। और इसको इंटीजर डाटा टाइप पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये तो हो गया पॉजिटिव, और जैसे मैंने लिखा 98, तो 98 क्या है, इसको मैं एक बार सेव करके रीलोड करके दिखा दूँ यहाँ पे, तो ये भी क्या है, इंटीजर ही है। तो चाहे पॉजिटिव में दो या तो नेगेटिव दो नंबर को, वो क्या होगा, इंटीजर डाटा टाइप होगा। बस समझ में आ रहा है। अच्छा इंटीजर डाटा टाइप होने के लिए एटलीस्ट वन नंबर तो होना ही पड़ेगा, मिनिमम वन नंबर, जैसे मैंने 7 दे दिया तो भी क्या हो गया, ये इंटीजर डाटा टाइप। तो इंटीजर डाटा टाइप होने के लिए एटलीस्ट वहाँ पे वन नंबर नॉन डेसिमल नंबर होना पड़ेगा जहाँ पे डेसिमल पॉइंट ना हो, और वो चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, बस उसको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना है, बाहर लिखना है। नेक्स्ट जो हो गया फ्लोट डाटा टाइप, या तो जिसको डबल भी बोलते हैं, फ्लोट डाटा टाइप मतलब वही नंबर ही होगा बट विथ डेसिमल पॉइंट होगा। तो अगर मैंने 7.0 लिखा, नंबर है लेकिन क्या है विथ क्या है, डेसिमल पॉइंट है, तो अभी ये क्या हो जाएगा डाटा टाइप इसका क्या हो गया, फ्लोट हो गया। टाइप फ्लोट हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो कोई भी नंबर विद डेसिमल पॉइंट अगर टाइप करोगे तो वो हो जाएगा क्या, फ्लोट डाटा टाइप हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर विद डेसिमल, अभी मैंने 7 पॉइंट कुछ भी नंबर लिख दो, बस वहाँ पे डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, सो ये क्या बन जाएगा, फ्लोट। क्लियर। तो ये हो गया फ्लोट डाटा टाइप। उसके बाद आ रहा है क्या, तुम्हारा इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे आएगा एरे डाटा टाइप। अच्छा एरे डाटा टाइप क्या है, एरे डाटा टाइप एक तरह से तुम्हारा क्या है, जैसे नॉर्मल जितना भी है तुम्हारा स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फ्लोट, इसमें हम लोग सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो एरे डाटा टाइप इज अ काइंड ऑफ डाटा टाइप जहाँ पे कि हम लोग एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ अभी, मैं इसी को ही एक एरे डाटा टाइप यहाँ पे मैं इस वेरिएबल के ऊपर में इस वेरिएबल में एरे डाटा टाइप में यहाँ पे असाइन करता हूँ। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कार्स, ठीक है, मैं यहाँ पे सॉरी एक सेकंड, तो क्या बोल रहा था, हाँ देखो, तो मैं यहाँ पे एक एरे इस वेरिएबल, अच्छा एक काम करता, कार नहीं सॉरी, यहाँ पे मुझे कार नहीं लिखना है, मुझे वेरिएबल का नेम देना है, सपोज कार्स, ठीक है, वेरिएबल का मैंने नाम क्या दिया, कार्स, कुछ भी दे दो, मैंने कार दिया, तुम कुछ भी दे दो। और यहाँ पे मुझे लिखना है एरे, जब भी तुमको एरे डाटा असाइन करना है तो यहाँ पे एरे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, एरे यहाँ पे, और इसमें तुमको वैल्यू पास करना है, मल्टीपल वैल्यू जो तुम चाहते हो, जैसे मैंने दे दिया टाटा, ठीक है, और उसके बाद मैंने दे दिया होंडा, जो भी तुम चाहते हो, जो भी यहाँ पे वैल्यू असाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कुछ कार का नेम असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया एरे डाटा टाइप, मतलब इस कार जो है अभी किस तरह का डाटा टाइप है, एरे डाटा टाइप है, क्योंकि इसमें अभी हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यू क्या है, टाटा है, इसे मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे जो हम लोग असाइन कर रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, तुम स्ट्रिंग के साथ साथ इंटीजर टाइप का या तो मल्टीपल डाटा टाइप का भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं, हम लोग सेव कर लेते हैं। तो अभी ये कार का टाइप क्या है, यहाँ पे हम लोग भी के जगह में क्या लिखेंगे, कार। इसका डाटा टाइप क्या है उसको जानने के लिए अभी हम लोग इसको रीलोड करते हैं, और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है,
एरे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें टोटल वैल्यू है दो, पहला वैल्यू हो उसमें ये डाटा टाइप तो इसका एरे हो गया, उसमें क्या क्या वैल्यू है, एक तो टाटा हो गया, दूसरा हो गया होंडा, और दोनों ही किस टाइप का है, ये टाटा भी स्ट्रिंग टाइप का और होंडा भी स्ट्रिंग टाइप का, और इसका लेंथ हो गया 5, इसका लेंथ हो गया 4, लाइक दिस, ठीक है। ये इसका इंडेक्स पोजीशन है, एरे का इंडेक्स पोजीशन है, 0 इंडेक्स पोजीशन में क्या है टाटा है, और 1 इंडेक्स पोजीशन में कौन सा है होंडा वैल्यू है, बस समझ में आ रहा है। और यहाँ पे तुम जरूरी नहीं कि सब तुम्हारा स्ट्रिंग टाइप का ही होना है, तुम यहाँ पे इंटीजर टाइप का भी या तो फ्लोट टाइप का भी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हो। जैसे मैं इसको फिर से रीलोड करूँ तो देखो यहाँ पे अभी ये जो हो गया इन टाइप का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये इन टाइप का वैल्यू यहाँ पे सेकेंड जो इंडेक्स पोजिशन है उसमें क्या है इन टाइप का वैल्यू है और 44 है, तो समझ में आ रहा है। तो ये हो गया एरे डाटा टाइप। एरे डाटा टाइप मतलब वहाँ पे हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल पे, वो होता है एरे डाटा टाइप। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हो गया बुलियन डाटा टाइप। बुलियन डाटा टाइप में ओनली पॉसिबल टू स्टेट्स होता है, पॉसिबल कितना होता है, दो ही वैल्यू होता है, दो ही स्टेट्स होता है, मतलब एक तो हो गया ट्रू, दूसरा हो गया फॉल्स, एक हो गया ट्रू और दूसरा फॉल्स, ध्यान रखना। बुलियन डाटा टाइप में पॉसिबल दो ही वैल्यू होता है, तो बुलियन जो डाटा टाइप है उसमें दो पॉसिबल, उसका दो पॉसिबल स्टेट होता है, एक तो हो गया ट्रू दूसरा फॉल्स। ये समझ लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया डॉलर V1 और यहाँ पे मैंने क्या असाइन किया ट्रू। देखो मैं जब ट्रू असाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डबल कोट्स नहीं दे रहा हूँ, डबल कोट्स देने से ये हो जाएगा स्ट्रिंग, मैं विदाउट डबल कोट्स क्या लिख रहा हूँ ट्रू, ध्यान दे रहा हूँ। और एक मैंने ले लिया डॉलर V2 और इसमें मैं असाइन लिख रहा हूँ मैं क्या फॉल्स, तो ये भी एक तरह का बुलियन, ये जो ट्रू है ये ट्रू क्या है, एक तरह से डाटा टाइप है, क्या डाटा टाइप है ये बुलियन डाटा टाइप। बुलियन डाटा टाइप में सिर्फ दो ही पॉसिबल स्टेट होता है, एक होता है ट्रू दूसरा होता है फॉल्स, ध्यान रखना। इसको हम लोग कंडीशंस मतलब बाद में हम लोग इसका यूज सीखेंगे, ठीक है। अभी का जान लो कि बुलियन डाटा टाइप में जस्ट दो ही पॉसिबल स्टेट होता है, एक तो हो गया ट्रू दूसरा क्या है फॉल्स। और अगर इसको हम लोग इको करें और क्या मैंने वार अंडर स्कोर डंप लगा के अगर इसका तुम टाइप को देखोगे, टाइप मैंने यहाँ पे दे दिया डॉलर V1, ठीक है, टाइप मैंने दे दिया डॉलर V1 और इसको सेव करते हुए एक बार रीलोड करेंगे तो देखेंगे इसका डाटा टाइप क्या है। अभी इसका डाटा टाइप क्या है, देखो बुल मतलब बुलियन है और इसका वैल्यू क्या है ट्रू। देखो ध्यान देना यहाँ पे मैंने क्या लिखा ट्रू एंड यहाँ पे क्या लिखा फॉल्स, लेकिन लग तो रहा है ये स्ट्रिंग है, नहीं स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि जब स्ट्रिंग होगा तो वहाँ पे हम लोग डबल कोट देते हैं, ठीक है। और जब तुम डबल कोट असाइन कर दोगे ये V1 अभी बुलियन नहीं रहा, V1 अभी क्या हो गया नॉर्मल स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, क्लियर गेटिंग मी। जब तुम डबल कोट्स के अंदर ट्रू लिखोगे तो ये बुलियन डाटा टाइप नहीं रहेगा, ये वेरिएबल क्या हो जाएगा स्ट्रिंग हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसको फिर से मैं सेव करते हुए मैं इसको रीलोड करता हूँ तो क्या बन गया, देखो स्ट्रिंग हो गया। तो डबल कोट्स बिना डबल कोट्स का लिखना पड़ेगा तभी जाके ये, और इसमें दो ही वैल्यू होगा, एक तो होगा ट्रू दूसरा फॉल्स, ठीक है। लेकिन दूसरा कुछ वर्ड बिना डबल कोट्स के लिख दोगे, जैसे मैंने ये कोई भी वर्ड तुम बिना डबल कोट का नहीं लिख सकते हो, सिर्फ ये बुलियन टाइप को ही तुम बिना डबल कोट के लिख सकते हो क्योंकि वो पॉसिबल है। तो चलो ये हो गया बुलियन डाटा टाइप, ओके समझ में हो गया। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस। तो चलो मेरे पास एक वेरिएबल हो गया, वेरिएबल का मैंने नाम दिया वार और इसमें मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया, जैसे मैंने लिखा डेटा कॉम, ठीक है, मैंने यहाँ पे डेटा कॉम असाइन कर दिया। और मैं चाहता हूँ यहाँ इसके ऊपर कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस अप्लाई करूँ। तो पहला जो स्ट्रिंग फंक्शन हो गया, पहला स्ट्रिंग जो फंक्शन हो गया वो हो गया strlen फंक्शन, strlen। देखो जब भी हम लोग इस तरह से पैरेंथेसिस किसी भी वर्ड के साथ पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन। इसके बाद में अभी मैं जस्ट मतलब ओवरव्यू मतलब इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बस तुम लोग यही जान लो कि जब भी किसी वर्ड कोई कुछ कुछ इस एक वर्ड के साथ इस तरह से कोई अगर तुमको पैरेंथेसिस दिख जाए तो वो समझना कि वो क्या है फंक्शन है, ठीक है। अभी फंक्शन क्या है बाद में समझ में आएगा। और ये जो वर्ड तुमको यहाँ पे दिख रहा है ये जस्ट अपने हिसाब से कुछ लिखने से नहीं होगा, ये प्री डिफाइंड है, ठीक है। बाद में हम लोग खुद का भी फंक्शंस बनाना सीखेंगे और ये तो अभी सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस है, लाइब्रेरी में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो ये जो strlen ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है किसी भी स्ट्रिंग का टोटल लेंथ जो है मतलब लेंथ को वो दिखाता है, ठीक है, लेंथ रिटर्न करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या पास करेंगे, डॉलर भार पास कर देंगे। डॉलर भार क्या है, जहाँ पे कि डाटा कॉम स्ट्रिंग असाइन है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये strlen फंक्शन इसका लेंथ रिटर्न करेगा टोटल कितना है। तो लो इसको रन करके देखते हैं हम लोग और इसको एक बार सेव कर लेंगे और इसको रन करके देखें तो इसका अच्छा यहाँ पे कुछ इरोर आ रहा है, देखते हैं क्या हुआ।
हाँ तो यहाँ पे मैंने क्या एक्चुअली मेरा कहाँ पे फॉल्ट हुआ, ये एस टी आर एन लैन हो गया, तो ना इस कमांड क्या होगा, एस टी आर लैन होगा, फंक्शन का नेम होगा एस टी आर लैन। तो एस टी आर लैन फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग का टोटल लेंथ रिटर्न करता है, काउंट करता है। तो इसका टोटल लेंथ कितना होगा, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो रिटर्न क्या करेगा, ये 7 रिटर्न करेगा, है कि नहीं। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं हम लोग, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, 7 रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये 7 रिटर्न कर रहा है, रिलोड करता हूँ और 7 रिटर्न कर रहा है, ओके। तो एस टी आर लैन फंक्शन क्लियर। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा कॉम लिख के, मैंने देखा लिखा गुवाहाटी लिखा, तो मतलब पूरा का पूरा जितना भी है सब का ये कितना क्या पास करेगा, टोटल लेंथ पास कर देगा। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रिलोड करता हूँ, तो अभी इसका टोटल लेंथ 16 शो कर रहा है। और यहाँ पे तुम वेरिएबल पास ना करते हुए डायरेक्ट किसी स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो वेरिएबल को पास ना करते हुए एस टी आर लेंथ फंक्शन में डायरेक्ट किसी स्ट्रिंग को भी पास कर सकते हो, तो उसका जो टोटल लेंथ वो यहाँ पे शो करेगा। क्लियर हो गया बात, तो ये हो गया लेंथ फंक्शन, और दो तीन फंक्शन है उसको ख़त्म कर लेता हूँ मैं। तो एक तो हो गया एस टी आर लेंथ फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या हो गया एस टी आर, नेक्स्ट जो हो गया तुम्हारा एस टी आर अंडर स्कोर वर्ड अंडर स्कोर काउंट, ठीक है, वर्ड काउंट फंक्शन तो बहुत सारा है, मैं कॉमन फंक्शन बोल रहा हूँ अभी। तो एस टी आर ये क्या करता है, ये फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितना है वो काउंट करता है। तो मैं यहाँ पे उस वेरिएबल को पास कर देता हूँ डॉलर वर, ठीक है, डॉलर वर। तो मैं इसको फिर से एक बार यहाँ पे रिलोड करूँ, तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड काउंट कर रहा है अभी कितना है, 2 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और एक वर्ड टाइप कर दूँ, जैसे मैंने कुछ भी लिखा, जैसे मैंने लिखा ये लिख दिया घाई, तो अभी यहाँ पे देखते हैं टोटल कितना इसका वर्ड काउंट कितना होगा, तो इसका वर्ड काउंट कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया एस टी आर वर्ड काउंट, उसकी तरह और भी कुछ उसी तरह और भी कुछ कॉमन फंक्शन जैसे एस टी आर वर्ड काउंट के साथ साथ मैंने दे रहा हूँ यहाँ पे एस टी आर पॉज, पॉज मतलब पोजिशन, ठीक है। ये किसी भी एक स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में एक वर्ड का पोजीशन कौन सा होगा, अभी जैसे घाई वर्ड, घाई जो वर्ड है इसका पोजीशन क्या है, तो पैसे पहले तो वो कौन सा वर्ड है जिसको जिसका जिसका तुमको क्या पता करना है, पोजीशन पता करना है, वो कौन सा वर्ड है जिसका तुमको पोजीशन पता करना है, और कहाँ पे, इस पे, इस पूरा का पूरा स्ट्रिंग पे इस घाई वर्ड का पोजीशन क्या होगा वो पता करना है। पोजीशन मतलब कहाँ से ये इसका मतलब, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 से शुरू हो रहा है, तो पोजीशन क्या होगा इसका, 18 होना चाहिए, तो वही यहाँ पे रिजल्ट में शो करेगा। तो एस टी आर पॉज दिया मैंने, इसको सेव किया मैंने, रिलोड करते हैं। अच्छा यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट इसी स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है, मैं डॉलर भार ना देते हुए मैं यहाँ पे इसी स्ट्रिंग को, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग ही पास करना पड़ेगा, तो मैंने उस स्ट्रिंग को यहाँ पे डायरेक्ट पास कर दिया। सेव करता हूँ एस टी आर पॉज, मेरा फंक्शन सही है, ओके। तो चलो देखते हैं, अरे क्या हो रहा है, हाँ आई थिंक ये शायद ये सेकेंड में देना पड़ेगा मुझे, जस्ट वेट लेट मी चेक फर्स्ट, मैं इसको सेकेंड पोजिशन में डालता हूँ। हाँ चलो एक बार फिर से इसको रीलोड करते हैं हम लोग, अभी सही है, ठीक है। मतलब पहले तुमको स्ट्रिंग देना पड़ेगा, उसके बाद किस उस वर्ड जिसका तुमको वो पता करना है। तो यहाँ पे शायद तुम वेरिएबल भी दे सकते हो, डॉलर भार अगर लिखोगे तो डॉलर वार, मतलब डॉलर भार मतलब इस स्ट्रिंग का बात हो रहा है, यहाँ पे कॉमा देना है, ठीक है, कॉमा देके दोनों को सेपरेट करना है। सेव कर लिया मैंने और यहाँ पे आके इसको रीलोड किया, हाँ तभी होगा तुम्हारा डॉलर वेरिएबल का नाम देने से भी हो जाएगा, ठीक है। डॉलर भार मतलब इस स्ट्रिंग का बात हो रहा है, इस स्ट्रिंग में इस वर्ड का पोजीशन क्या होगा, एस टी आर पॉज। चलो और दो तीन फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एस टी आर रिव, रिव मतलब रिवर्स, ठीक है, एस टी आर रिव मतलब उसको रिवर्स कर देगा, ये वो जो भी स्ट्रिंग है उसको रिवर्स में शो करवा देगा, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग है उसको क्या करेगा, रिवर्स में शो करवा देगा, एस टी आर रिवर्स। तो देखो जो भी स्ट्रिंग है उसको उल्टा शो कर दे रहा है, ये रिवर्स में आ जा रहा है, ये घाई जी एच वाई था ना, तो वाई एच जी, उसके बाद पूरा का पूरा तुम्हारा स्ट्रिंग रिवर्स में आ रहा है, ठीक है। तो एस टी आर रिवर्स, उसी तरह तुम्हारा होता है एस टी आर अंडर स्कोर रिप्लेस, एस टी आर अंडर स्कोर क्या, रिप्लेस। तो
तुमको जैसे घाई के जगह में मुझे दूसरा कुछ लिखना है, मुझे डेली लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखना है, मुझे डेली लिखना है, कहाँ पे लिखना है वो डेली, कहाँ पे देना है मुझे, घाई की जगह पे देना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ घाई, और वो स्ट्रिंग कौन सा होगा जहाँ पे ये तुमको चेंज करना है, स्ट्रिंग मेरा हो गया डॉलर वार, स्ट्रिंग कौन सा है मेरा डॉलर वार, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग रिलोड करते हैं, तो देखो डाटा कॉम गुवाहाटी घाई, ये अच्छा रिप्लेस हुआ नहीं, किसको रिप्लेस करना है मुझे, ये हो गया एसटीआर रिप्लेस, ओके एसटीआर रिप्लेस, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको मतलब टाइप करके रख दिया, यहाँ पे देख लो, जैसे पहला ये स्ट्रिंग हो गया, इस स्ट्रिंग में जैसे मुझे घाई वोट को डेली वोट से रिप्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पे इस घाई वोट को डेली वोट, तो किसको रिप्लेस करना है वो वोट मुझे पहले लिखना है, जिसके साथ मुझे रिप्लेस करना है, जैसे डेली वोट के साथ रिप्लेस करना है, तो मैंने सेकंड में मुझे डेली वोट दिया, और कौन सा स्ट्रिंग होगा जहाँ पे मुझे रिप्लेसमेंट करना है, सॉरी उस स्ट्रिंग का मुझे यहाँ पे देना है थर्ड ऑप्शन, थर्ड पैरामीटर में, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लोग इसको एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पे आते हुए क्या टाइप करता हूँ 127, और ये माई मेरा यहाँ पे होगा माई का नाम हो गया माई PHP प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखो ये डाटा कॉम गुवाहाटी डेली, ठीक है, तो दिस इज़ STR रिप्लेस कमांड। तो चलो ठीक है, यहाँ तक आज के लिए।